हेलो माय डियर, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल इको एजुकेशन। माय सेल्फ इज नदीम खान एंड टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट सिलेबस अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई। सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सोशल साइंस का सिलेबस यहां पे डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास 9th सिलेबस ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस के सिलेबस में फोर यूनिट डिवाइड किया गया है और इस ऑल यूनिट का इक्वल पार्टिसिपेंट है आपके एग्जाम में। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए, हम सिलेबस किसी भी चीज को पढ़ने से पहले, उसका किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करने से पहले हम उसके सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो इसलिए हमें सोशल साइंस की क्लास 9 की स्टडी करने से पहले सोशल साइंस का सिलेबस एक बार ओवरव्यू कर लेना, उसको स्टडी कर लेना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम यहां पे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं क्या है सिलेबस में। सोशल साइंस के सिलेबस में फोर यूनिट, ये सोशल साइंस का सिलेबस फोर यूनिट में डिवाइड है और हर एक यूनिट का इक्वल पार्टिसिपेंट है आपके एग्जाम में। इट मींस चाहे वो आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम, हर एक यूनिट 20 मार्क्स का रोल होगा यहां पे। तो देखते हैं एक एक यूनिट को डिस्क्राइब करके, हम यहां पे देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला यूनिट आपका जो है वो है हिस्ट्री का। पहली यूनिट आपको हिस्ट्री की पढ़नी है और इस हिस्ट्री, इट मींस इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड पार्ट 1, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 आपको यहां पे पढ़ना है। अभी तक हमने जो स्टडी किया है, चाहे क्लास 8, 7 और 6, वो इंडियन हिस्ट्री स्टडी की है। क्लास 8 में आपने पढ़ी है मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री, और क्लास 7 में हमने स्टडी किया है इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री, और क्लास 6 में हमने स्टडी किया है इंडिया की एंशियंट हिस्ट्री। बट यहां पे हम जो डिस्कस करेंगे वो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 1 यहां पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट 2 हम क्लास 10 में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, यहां पे हिस्ट्री के सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया आपके। पहला जो सेक्शन है वो इवेंट एंड प्रोसेसेस, क्या घटनाएं हुई विश्व स्तर पे, जो प्रमुख घटनाएं उनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला जो चैप्टर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है अपने आप में। हम यहां देखेंगे कि फ्रेंच में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, उसके पीछे क्या लॉजिक है और उस रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा फ्रेंच में, उसके बाद उस रिवॉल्यूशन का पूरे यूरोप में क्या इंपैक्ट पड़ा और उसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड में क्या पड़ा, हम ये स्टडी करेंगे उस चैप्टर को जब स्टडी करेंगे। सेकंड चैप्टर आपका है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यहां पे हम रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे सेकंड चैप्टर में हिस्ट्री के। और थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे नाजीज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। यहां जर्मनी की हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे, वहां पे देखेंगे नाजीज्म का राइज अप कैसे होता है और जर्मनी की हिस्ट्री में, जिसे हम हिटलर के नाम से जानते हैं, वहां पे उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हिटलर के बारे में डिस्क्राइब में। एक और चैप्टर है यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर, जो आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है। और ये थर्ड चैप्टर है, ये सेकेंड सेक्शन में हम देखते हैं आपका जो दिया गया लेवरीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, ये सेकेंड सेक्शन है। इसमें 3 चैप्टर दिए गए आपके बुक में, लेकिन आपको यहाँ 2 चैप्टर्स में से ही ऑप्शनल है, वो भी ऑप्शनल है, किसी एक चैप्टर को ही आपको यहाँ स्टडी करना है। या तो आप फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म के बारे में डिस्कस कर ले पढ़ ले, या तो पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, किसी एक चैप्टर को आप यहाँ पढ़ेंगे। और बाकी जो चैप्टर थर्ड चैप्टर है वो सीबीएसई ने आपके सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया है।
और थर्ड सेक्शन है जो एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, इसमें भी आपके दो चैप्टर्स हैं जो रिमूव हो चुके हैं, उनको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, हम अपना सिलेबस बस देख रहे हैं हमें पढ़ना क्या है। तो हमें बस पढ़ना है ये थ्री चैप्टर्स फर्स्ट सेक्शन में, और सेकेंड सेक्शन में ये दो चैप्टर्स में से किसी एक चैप्टर को हमको यहाँ डिस्कस करना है। ओके, ये आपके टोटल ओवरऑल मिलकर 20 मार्क्स का रूल लगाएंगे, ये 20 मार्क्स का रूल लगाएंगे आपका, आपके चाहे हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे एनुअल एग्जाम हो उसमें 20 मार्क्स का रोल होगा इनका, आपकी हिस्ट्री पार्ट का। सेकेंड पार्ट आपका जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सेकेंड यूनिट है वो कंटेम्परेरी इंडिया पार्ट वन, इट मीन्स जियोग्राफी, हम यहाँ जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका भी आपका 20 मार्क्स का रोल होगा आपके एग्जाम में जो आप देख रहे हैं। इसमें 6 चैप्टर दिए गए हैं, एक एक चैप्टर को हम देख लेते हैं क्या क्या हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। यहाँ पे पहला चैप्टर हमें डिस्कस करना है इंडिया के बारे में, इंडिया का ग्लोबल मैप पे क्या पोजीशन है क्या लोकेशन है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हमें जो पढ़ना है इसमें फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है, कहाँ पे प्लेटू है कहाँ पे प्लेन है कहाँ पे रिवर पाया जाता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सेकेंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रेंज, ड्रेंज हमारे रिवर का क्या ड्रेंज सिस्टम है वो हम अपने थर्ड चैप्टर में देखेंगे, उसमें नॉर्थ रिवर सिस्टम देखेंगे साउथ में क्या रिवर सिस्टम है वहां पे डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब में। और फोर्थ चैप्टर आपका है क्लाइमेट, क्लाइमेट के बारे में हम फोर्थ चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे ज्योग्राफी के। और फिफ्थ चैप्टर आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, और लास्ट चैप्टर पॉपुलेशन। ये 6 चैप्टर मिलकर आपका 20 मार्क्स का रोल निभाएंगे यहाँ पे, ये मैक्सिमम मार्क्स इसके 20 होंगे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी और एनुअल एग्जाम में भी। नाउ नेक्स्ट थर्ड यूनिट के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो आपका सोशल साइंस का थर्ड यूनिट का पार्ट है, वो आया आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में भी एज यू सीन दैट देयर आर 6 चैप्टर बट हमने इसको 5 चैप्टर में डिस्क्राइब किया है, जैसे आपके बुक में व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी देयर आर 2 चैप्टर्स, ठीक है। तो आप एक चैप्टर्स में यहाँ डेमोक्रेसी के बारे में ही डिस्कस करना है, इट मीन्स पहले चैप्टर जो है वो आपका एग्जाम्पल है अलग अलग वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ और कैसे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई उसके बारे में एग्जाम्पल दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में। और फिर सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी का मीन्स क्या होता है, डेमोक्रेसी के डेफिनेशन क्या होते हैं वगैरह वगैरह हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये सीबीएसई के रूल्स होते हैं कि वो पहले एग्जाम्पल देते हैं किसी भी टॉपिक का, पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर उसके बाद डेफिनेशन पे आते हैं। तो हम देखेंगे सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, सेकेंड चैप्टर भी यही है आपके बुक के अकॉर्डिंग बट हमने यहाँ फर्स्ट चैप्टर में मेंशन किया। सेकेंड पॉइंट है आपका जो आप इट मीन्स आप थर्ड चैप्टर कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन कैसे हुआ, उसमें किसका क्या रोल है, हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हम चुनावी राजनीति के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, हमारे देश में कैसी चुनावी राजनीति है, चुनाव के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, बहुत लोग इंटरेस्ट लेते हैं चुनाव में, हम यहाँ डिस्क्राइब में इलेक्शन के सभी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं और वो कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपका चैप्टर होगा डेमोक्रेटिक राइट,
हमारे डेमोक्रेटिक राइट क्या है और वो हम कैसे यूज करते हैं। बहुत लोग यूज तो करते हैं बट पता नहीं होता है, और क्या क्या उनको डेमोक्रेटिक राइट है ये भी लगभग मैक्सिमम लोग को नहीं पता होता। बट हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, डिस्क्राइब में हम इस चैप्टर को यहाँ देखेंगे। तो ये ओवरऑल आपका ये जो पॉलिटिक्स का इट मीन सिविक्स का जो पोजिशन है ये भी 20 मार्क्स का, इसका भी रोल होगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम एंड एनुअल एग्जाम बोथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इट मीन फोर्थ यूनिट पे जब हम आते हैं, और यहाँ पे ये नया एक यूनिट आपके सिलेबस सोशल साइंस के सिलेबस में ऐड हुआ है क्लास नाइन्थ में, जो अब तक आपको नहीं मिला था पढ़ने के लिए। ये इकोनॉमिक्स के बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। आपने इकोनॉमिक्स के टर्म्स या न्यू लॉजिक न्यू नेम्स वगैरह नहीं पढ़े होंगे, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स के बारे में इसका डेफिनेशन क्या होता है वगैरह वगैरह इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है उसके बारे में हम यहाँ इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स का द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, और इकोनॉमिक्स खुद अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो हम देखते हैं इसमें फोर चैप्टर हमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, यहाँ पे ये एक पालमपुर की हाइपोथेटिकल विलेज है, ऐसा रियल में कोई विलेज नहीं है, ये हाइपोथेटिकल विलेज है, और इसके कंसेप्ट के आधार पे हम यहाँ समझेंगे फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन के क्या क्या फैक्टर होते हैं। इट मीन्स वही समझाने का लॉजिक है इस चैप्टर को, हम यहाँ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर है हमारा पीपल एज अ रिसोर्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि पीपल लोग एज अ रिसोर्स कैसे हैं, हम भी रिसोर्स वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिफाइन में। यहाँ पे देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और थर्ड चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये हमारी कंट्री की बहुत बड़ी चैलेंज है जो हम जानते हैं अच्छी तरह। और फोर्थ चैप्टर आपका फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ आप देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में आपके ऑल चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ सिर्फ फोर चैप्टर है बट आपके मैक्सिमम मार्क्स इसके भी 20 ही हैं, 20 मार्क्स का इसका भी रोल है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में एंड एनुअल एग्जाम में। तो हम देख रहे हैं इस तरह ऑल यूनिट्स मिलकर आपके 80 मार्क्स का रोल निभाएंगे और 20 मार्क्स आपका वाइवा होगा, इस तरह 100 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा सोशल साइंस का वो डिजाइन किया गया। तो हम कोशिश करेंगे, हमने सिलेबस को अभी देखा स्टडी किया, अब हम एक एक चैप्टर को एक एक यूनिट के एक एक चैप्टर को डिस्क्राइब में स्टडी करेंगे, और आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर ये सिलेबस समझ में आया, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और थैंक यू।